अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एनिकास वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो है जी कफ के बारे में एंड फ्लू के बारे में। पहले भी मैंने आपके साथ 3 to 4 वीडियोस शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने छोटे बेबीज के लिए भी शेयर की हैं और फिर बड़े बेबीज के लिए भी शेयर की हैं, और कंप्लीट वीडियो भी एक मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट गाइडलाइन दी थी कि बेबीज को किस तरह से कफ एंड फ्लू में ट्रीट करना है, जैसे कि मैं अपने बेबीज को करती हूँ। लेकिन अगर आपने 5 to 6 डेज मेडिसिन भी दे दी है, आपने नोबलाइज भी कर लिया, लेकिन फिर भी बेबीज ठीक नहीं हो रहे, या फिर बेबीज को अगर कफ एंड फ्लू के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, तो इट मीन्स बेबी को कंडी पड़ गई है। या फिर अगर वॉमिटिंग नहीं भी हो रही लेकिन गला इतना ज्यादा खराब है, फुल ऑन बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा खांसता है, बहुत ज्यादा उसके गले से आवाज आती है, खड़खड़ की आवाजें आती हैं, उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा खराब है, या जैसे आप कहती हैं कि छाती में रेशा जमा हुआ है, तो फिर मैं किस तरह से ट्रीट करती हूँ। मैं अपने बेबीज को लेके गई थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो सके। तो ये जी अंदरून शहर है, हमारे घर से काफी दूर पड़ता है, लेकिन अगर मेरे बेबीज ठीक ना हो रहे हो तो मैं वहां पे लेके जाती हूँ। लाहौर में है अंदरून शहर, जहाँ पे शालमी मार्केट वगैरह है, वहां पे जहाँ पे वजीर खान मस्जिद है ना, वहां पे उसके सामने वाली जो गली है उसके अंदर ये बाबा जी बैठते हैं। बहुत ही पुरानी दुकान है, जो कि उनका नेम है जी वो चूंडी लगाने वाले बाबा, चूंडी लगाते हैं गले में, जैसे कि कंडी निकालते हैं, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि आप खुद भी कर सकती हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जा सकती, या मोहल्ले में आंटियां भी होती हैं वो भी ये चीज करती हैं कि अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप थंब पे सॉल्ट लेंगी और बच्चे का जो ऊपर होता है ना गला तालू से पहले पहले की जगह होती है, वहां पे छोटे छोटे से आपको हैंड लगाएंगी तो फील होगा कि छोटे छोटे से दानेदार सी स्किन हुई है, उनको आपने प्रेस कर देना है थंब पे सॉल्ट लगा के, तो इससे भी आपके बेबी का जो गला है ना वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जब मेरे बेबीज को इस तरह से मसला हो जाता है तो मैं वहीं पे लेके जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस जगह पे ये एरिया बना हुआ है और वो किस तरह से चूंडी लगाते हैं। तो यहाँ जी हम हाशिर और ईसा को लेकर आ चुके हैं अंदरून शहर में, वजीर खान मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली रोड पे मैं इस टाइम वॉक कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये मस्जिद वजीर खान है, ये आपको नजर आ रही होगी। इसके ऑपोजिट रोड पे, मतलब वजीर खान वाली रोड पे हमने स्ट्रेट जाना है और यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने एक गली आएगी छोटी सी, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाके शॉप बनी हुई है, बहुत ही पुरानी शॉप है। यहाँ पे जी गले का इलाज किया जाता है, इनको कहा जाता है जी चूंडी लगाने वाले बाबा जी। तो ये बहुत पुराने ज़माने से स्टार्टिंग से यहाँ पे बैठते हैं। जब बेबीज़ का गला मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हाशिर को तो मैं हमेशा से लगवाती आ रही हूँ, ईसा आज फर्स्ट टाइम लगवाने जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सारे लोग जमा हुए होते हैं जिनको डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा होता ना, डॉक्टर्स की मेडिसिन खा खा के भी गला ठीक नहीं हो रहा होता, तो फिर आप यहाँ पे बेबीज़ को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जी वो गले लगाना भी कहते हैं और चूंडी लगाना भी कहते हैं। वो एक उनके पास चूरन सा बना होता है, वो बेबी के गले में डालते हैं, नोज में डालते हैं, इससे बेबी को छींके वगैरह आती है, सारा जो फ्लू है वो बाहर निकल आता है। और इस तरह से जी आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, कि उनको सही करने के लिए थोड़ी सी उनको इस तरह से वो रोते हैं, लेकिन इसके बाद ना गला ठीक हो जाता है। तो ये नोज़ में भी डाल देते हैं, इससे क्या होता है बेबी ना ये लगवाने के बाद एकदम से रेशा निकाल देता है, एकदम से वो वॉमिट टाइप रेशा निकालेगा, गला बिल्कुल साफ हो जाता है और फ्लू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जी बस थोड़ी देर का रोना था, उसके बाद बेबीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। तो इस तरह से जी बच्चों का गला बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो चले जी अब हम वापस जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे बस जाना मुश्किल है, थोड़ा सा आपको दूर जाना पड़ेगा, लेकिन इनकी प्राइस कोई भी नहीं है, ये बहुत ही सालों से यहाँ पे होते हैं। इवन मेरे हस्बैंड जब छोटे होते थे ना, उनका गला खराब हो जाता था तो उनको भी अम्मी यहीं से ठीक किया करती थी। तो इनकी जो प्राइस है वो जस्ट 50 रुपीज है, 50 रुपए में आपका बेबी जो है उसका गला बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।